विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। न्यूज मेक इन इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज 26 जुलाई, वो दिन जो भारत माँ की रक्षा के लिए उन वीर जवानों ने अपने प्राण नौछावर कर दिए, हम उसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल की उन चोटियों पर जहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ हमारे वीर जवानों ने अपने प्राण त्याग कर भारत माँ की रक्षा की। नमन करते हैं हम उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राण नौछावर कर भारत माँ की रक्षा की, और मैं नमन करना चाहता हूँ उन माताओं को भी जिन्हें उन्हें जन्म दिया, उन पिताओं को प्रणाम करना चाहता हूँ जो उनके पिता हैं। नमन करते हैं आज हम उनको। न्यूज़ मेक इन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये फिल्म ज़रूर देखिए, जो फिल्म हम आज दिखाने जा रहे हैं उन वीर जवानों की वो कहानी है और वो हमें हमेशा याद होनी चाहिए। वो कहानी आपके समक्ष रख रहा हूँ मैं, अशोक गोयल, न्यूज़ मेक इंडिया के लिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो न्यूज़ मेक इन इंडिया, बदलते भारत की बदलती तस्वीर है ये न्यूज़ मेक इन इंडिया। नमस्कार। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था, सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुरतुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांत चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांत की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग
अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। On the radio set, after another Mankar was captured, the my company's success in the law is ye dil mange more. Chale aandhi chale, tufaan uthe, badhta hi rahe, tu ruke nahi, jab tak hai palak, jab tak hai zami, mera dil ye kahe, kabhi jhuke nahi. Bas yuhi lehraye tiranga. अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। माँ भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए,
जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आवाहन करता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम।